भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा भीमा काली मंदिर के सभागार में जिला स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान मंडी जनपद के विभिन्न क्षेत्रों के लोक नृत्य दलों ने अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए समृद्ध लोक संस्कृति विरासत का प्रदर्शन किया। इस मौके पर जहाँ सराजदी सुकेती करसोक क्षेत्र की नाटियों ने समा बांधा, वहीं पर मंडी जनपद की मशहूर लुड्डी का अलग धमाल रहा। इसके अलावा मंडी जिला के सरकाघाट पर धर्मपुर क्षेत्र के चरकट्टी नृत्य की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को रोमांचित किया। इस अवसर पर ढोल नगाड़ों, करनाल, रणसिंगे और सहनाइयों के समवेत स्वरों से माता भीमा काली मंदिर गूंज उठा। इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुनीत रघु ने किया, जबकि समापन समारोह की अध्यक्षता उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने की। प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि पुनीत रघु ने कहा कि हमारी लोक संस्कृति की समृद्ध परंपरा सदियों से चली आ रही है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। उन्होंने कहा कि लोकगीतों के रचयिता का नाम भले ही लोगों को मालूम नहीं होते हैं, मगर उन पर लोक नृत्यक मस्ती में झूमते हैं। वहीं पर उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि इस तरह के आयोजन ग्रामीण क्षेत्र के कलाकारों को एक मंच प्रदान करते हैं तथा इसमें हमारी संस्कृति का संरक्षण व संवर्धन होता है। उन्होंने कहा कि यह हम सब के लिए गौरव की बात है कि आज का युवा भी संस्कृति के संरक्षण में अपना योगदान दे रहा है और इस तरह के आयोजन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं के इस तरह के आयोजन से जुड़ने से लोक संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा तथा आने वाली पीढ़ी को भी एक संदेश जाएगा। इस अवसर पर जिला भाजपा अधिकारी रेवती सैनी ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा कार्यक्रम से संबंधित जानकारी भी दी। जिला स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता में जिला के 12 सांस्कृतिक दलों ने अपने अपने क्षेत्र की प्रस्तुति दी, जिसमें सराज लोक नृत्यक दल परमाणा प्रथम रहा। का प्रथम लक्ष्य जो है अपनी भाषा और संस्कृति का संरक्षण संवर्धन करना है। इसी उद्देश्य से भाषा विभाग द्वारा समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाता है। इसी कड़ी में पूरे राज्य में प्रत्येक जिले में जो है जिला स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। तो मंडी जिला की जिला स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता आज भीमा काली परिसर में आयोजित की जा रही है। इसमें लगभग 15-16 सांस्कृतिक दल भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य जो है अपनी संस्कृति संरक्षण के संवर्धन के साथ साथ अपनी संस्कृति को अन्य राज्यों और देश के बाहर बिखेरना है और साथ ही साथ कलाकारों को मंच प्रदान करना है।